आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज में मैं हूं शकील बागमारे। अबकारी कानून की धजियां उड़ाते CL4 क्लब संस्थापक, CL4 क्लब को शराब का और जुए का अड्डा बना रखा है मगर प्रशासन खामोश। क्या कानून के हाथ इन धोखेबाजों तक पहुंच पाएंगे? CL4 बार है या मजे का अड्डा, कुछ भी पता नहीं चलता। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CL4 लाइसेंस का किस तरह गलत इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक बीजापुर के कोलार तालुके में जुआ खेल रहे 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना बीजापुर जिले कोलार तालुक के UKP में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोलार के CL4 प्रज्वल रिक्रिएशन क्लब में जुआ खेलने की पुख्ता जानकारी के आधार पर कोलार PSI सिद्धप्पा यदहल्ली के नेतृत्व में छापामारी करके 23 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इनमें प्रमुख आरोपी उमेश यंकप्पा, शीर्षल दानप्पा गोल, ये दो इस मामले में प्रमुख होने की बात सामने आई है। इन 23 लोगों को गिरफ्तार करके मामले को कोलार पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। मगर आपको ये जानना जरूरी है कि ये CL4 लाइसेंस क्या है। CL4 ना ही बार है ना ही जुआ खेलने का क्लब। ये एक क्लब के नाम पर लाइसेंस लिया जाता है जिसमें संस्था के ही मेंबर वहां बैठ सकते हैं और किसी दूसरे को इजाज़त नहीं है। और सबसे अहम बात, ना ही वहां पर शराब किसी अन्य को दी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है और ना ही वहां पर बैठकर, चाहे वो क्लब के मेंबर्स ही क्यों ना हो, वो भी जुआ खेल नहीं सकते। मगर क्लब के संस्थापक कानून के खुलेआम धजियां उड़ाते हुए और कानून भी तमाशा बना हुआ है। अबकारी कानून नियम अनुसार कोई भी काम इन क्लब में नहीं किया जाता, उसके बावजूद अबकारी पुलिस विभाग की नजर इन क्लब पर नहीं पड़ती। क्लब के नाम पर खुलेआम सार्वजनिक को शराब बेची जाती है और टेबल भागकर जुआ खेलने दिया जा रहा है, जिस कारण हजारों नौजवानों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो रही है मगर प्रशासन खामोश। कर्नाटक सरकार के नियम अनुसार हमारे राज्य में किसी भी तरह के मनोरंजन के रूप में जुए को बंद कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। उसके बावजूद कानून के आंखों के सामने ही कानून का उल्लंघन किया जाता है। मगर इसके बावजूद कुछ ईमानदार और निष्ठावंत पुलिस ऑफिसर अपना फर्ज निभाते हुए आगे आकर ऐसे क्लब पर छापा मार कर इन्हें बंद कर देते हैं। जैसे कि कोलार PSI सिद्धप्पा यदहल्ली ने अपना फर्ज निभाते हुए किया। इनके इस काम से कोलार की जनता इनकी सराहना कर रही है। क्लब को बंद करने से इनके बच्चे तबाह और बर्बाद होने से बच गए हैं। बीजापुर शहर में ऐसे कई CL4 लाइसेंस के नाम पर बिना प्रशासन के डरे खुलेआम शराब बेचते हैं और सार्वजनिक लोगों को बुलाकर जुआ चलाया जा रहा है। अब देखना है इन CL4 लाइसेंस संस्थाओं पर जो सरकारी नियमों का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी रूप में शराब बेचते हैं और सार्वजनिक जुआ भी खिला रहे हैं, क्या कानून के हाथ इन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, और इस गैर कानूनी धंधे को कौन लगाएगा ब्रेक।